brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodent K toothpaste for sensitive teeth. चीन की आर्थिक तरक्की अब धीमी पड़ रही है। बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से उपभोक्ता कम हुए हैं। जितना सामान चीन पैदा कर रहा है उतना इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर का भी बुरा हाल है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनकर तैयार हैं लेकिन उनमें रहने के लिए लोग नहीं हैं। हाल ये कि लोग अपनी प्रॉपर्टी घाटे में बेच दे रहे हैं। इन सब बातों का असर देश की GDP पर भी पड़ रहा है। 15 जुलाई को चीन की सरकार ने दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए। इसमें विकास दर 4.7% रही। ये उम्मीद से काफ़ी कम थी। दरअसल पहली तिमाही में यह दर 5.3% थी। उम्मीद थी कि इस तिमाही में यह दर ऊपर जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। इसी चिंता के बीच शी जिनपिंग ने मीटिंग बुलाई है। इसमें चीन की गिरती अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। इस मीटिंग को थर्ड प्लेनम के नाम से जाना जाता है। इसमें देश की आर्थिक नीतियों पर चर्चा की जाती है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका को पछाड़ने का ख्वाब देखने वाला चीन अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को तबाह कर बैठा है? क्या उसका हाल जापान जैसा हो जाएगा? आज शो में इसी पर चर्चा करेंगे और साथ में जानेंगे कि थर्ड प्लेनम मीटिंग क्या है, इस बार इसमें क्या चर्चा होगी, चीन की अर्थव्यवस्था पड़ क्यों रही है और चीन इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा चीन में गहराते आर्थिक संकट की। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है US, दूसरे नंबर पर चीन है। पर चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना, पहले इसे जानते हैं। 1830 और 40 का दशक चीन के सबसे बुरे दौर में गिना जाता है। इस दौर में चीन की आर्थिक हालत खस्ता थी। इसी समय ब्रिटेन ने देश में अफीम की सप्लाई शुरू कर दी तो पूरा देश नशे का आदी हो गया। चीन ने इसे रोकने के लिए अंग्रेज़ों से युद्ध किया और बाद में फ्रांस भी इसमें शामिल हुआ। इन युद्धों को इतिहास में ओपियम वॉर्स के नाम से जाना जाता है। अफीम के नाम पर हुई लड़ाइयाँ। जंग खत्म हुई तो देश में सिविल वॉर छिड़ गया और इस युद्ध में 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। इस गृह युद्ध ने चीन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया। 1949 में जापान से फिर लड़ाई होती है। एक सदी बाद चीन ने कोरिया से अपना प्रभाव खो दिया। ताइवान पर भी जापान का कब्जा हो गया। 1920 के अंत में चियांग काईशेक के नेतृत्व में कोमितांग ने देश का एकीकरण किया। राजधानी बनी नानजिंग। 1937 से 1945 तक जापान और चीन के बीच दूसरी बड़ी जंग हुई। इन सभी युद्धों ने कभी भी चीन की अर्थव्यवस्था को पनपने नहीं दिया। फिर आया 1949 का साल। अक्टूबर में चीन में माओ ज़ेडोंग की क्रांति सफल होती है। माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC की स्थापना की और इस कदम ने चीन की आर्थिक तरक्की के लिए सिर्फ नींव का काम किया, लेकिन तुरंत कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अर्थव्यवस्था में नहीं आया। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? माओ ने क्रांति के बाद चीन की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को औद्योगिकरण की राह पर चलाने की कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर 1949 से 1961 के बीच चीन में अकाल पड़ गया। 10 लाख लोगों की जान गई, कुछ लोग 40 लाख का आंकड़ा भी बताते हैं। 1960 की सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रेवोल्यूशन भी अर्थव्यवस्था की राह में रोड़े डालने वाली ही साबित हुई। ये एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन बताया गया और इसका मकसद था कम्युनिस्ट पार्टी को उसके प्रतिद्वंद्वियों से छुटकारा दिलाना, मगर इसने चीन के सामाजिक ताने बाने में ही तबाही ला दी। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन में सुधारों की जिम्मेदारी डेंग ज़ियाओपिंग ने उठाई। यहीं से चीन की आर्थिक तरक्की शुरू होती है। ज़ियाओपिंग ने चीन की अर्थव्यवस्था को नया आकार देना शुरू किया। किसानों को अपनी ज़मीन पर खेती करने का अधिकार वापस मिला। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया और खाने की कमी की समस्या भी दूर हुई। चीन और अमेरिका ने 1979 में अपने कूटनीतिक संबंधों को दोबारा स्थापित कर लिया और विदेशी निवेश के दरवाजे भी खोल दिए गए। चूंकि उस वक्त चीन में मजदूर, मानव संसाधन और किराया बहुत सस्ता था, निवेशकों ने धड़ाधड़ पैसे डालने शुरू किए। साल 1978 में चीन का निर्यात सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए था। 1985 में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हुआ और अगले 2 दशकों के भीतर ये लगभग 360 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। इसी के साथ चीन व्यापार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। आज कहते हैं फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 1990 तक चीन की आर्थिक विकास दर तेज़ी से बढ़ने लगी और साल 2001 में वो विश्व व्यापार संगठन में शामिल भी हुआ। इससे चीन के लिए व्यापार शुल्क कम हो गए। उसने तकनीक के क्षेत्र में भी तरक्की की। माइक्रोचिप्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया। सस्ते दामों में स्मार्ट डिवाइसेस बनाए। नतीजा, देखते देखते चीनी सामान दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। 2013 में चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आया, जिसके तहत वो पुल और सड़क बनाने के लिए दूसरे देशों को कर्ज दे रहा है।
इस आर्थिक विकास का क्या हासिल रहा? दुनिया के साथ व्यापार बढ़ा तो संबंध भी सुधरे। विश्व बैंक के मुताबिक चीन में 85 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। चीन में गरीबी कम हुई तो लोग शिक्षित हुए। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक चीन में 27% काम करने वाले लोग यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा वाले होंगे। ये तो हुई चीन की आर्थिक तरक्की की कहानी, पर चीनी अर्थव्यवस्था का डाउनफॉल क्यों हो रहा है, अब ये भी समझिए। सबसे पहले एक ओवरव्यू, ये ग्राफ देखिए। इसमें साफ दिख रहा है कि पिछले एक दशक में चीन की अर्थव्यवस्था नीचे गई है। कभी दहाई में रहने वाला यह आंकड़ा 5-6% में सिमट कर रह गया है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी 5 बड़ी वजह। पहले, डिमांड में कमी। चीन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे आया है। किसी सामान्य सर्विस के लिए एक आम आदमी को जो पैसे देने पड़ते हैं, CPI उसका एक हिंट देता है। इसी तरह एक और इंडेक्स होता है, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, PPI। हमारे यहाँ जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वहाँ PPI चलता है। ये फैक्ट्री से निकलते समय सामानों के दाम यानी फैक्ट्री रेट का ब्यौरा देता है। चीन में CPI के साथ PPI इंडेक्स भी अनुमान से बहुत नीचे आया है। कंपनियां आमतौर पर फायदा जोड़कर फैक्ट्री वाला रेट तय करती हैं और इसी से उनका मुनाफा तय भी होता है। इसलिए PPI घटने का मतलब है कि कंपनियों का फायदा घट रहा है। ये भी कह सकते हैं कि देश में कारोबारी गतिविधियां घट रही हैं। एक अजीब स्थिति है, महंगाई कम हो रही है टेक्निकली, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर दूसरा कारण। ये सेक्टर चीन की अर्थव्यवस्था में लगभग 25% का योगदान देता है, लेकिन पिछले 5-7 सालों में इस सेक्टर का हाल बुरा है। हुआ ये कि जब 1980 में चीन आर्थिक सुधार लेकर आया तो रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। लोग शहर की तरफ भागे, शहर में लोगों की संख्या बढ़ी तो रहने के लिए बिल्डिंग्स बनी। ये काम खूब फला फूला, लेकिन इसमें कोई लगाम नहीं लगी। फिर आया साल 2020, चीन के वुहान से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई। इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई। जिस समय पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही थी, उस समय चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में लगभग 9,00,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इसके बाद चीनी अधिकारियों ने रियल एस्टेट सेक्टर को मिली आज़ादी को कम करना शुरू किया। शी जिनपिंग का वो बयान भी है कि प्रॉपर्टी रहने के लिए है, स्पेकुलेशन के लिए नहीं है। नतीजा ये हुआ कि बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां घाटे में जाने लगी। चीन में इस समय रहने के लिए घर तो हैं, लेकिन रहने के लिए लोग नहीं हैं। हिंदुस्तान से उल्टी स्थिति है। ये हाल एक नहीं, कई कई शहरों का है। इनमें इतने ज़्यादा खाली फ्लैट्स हैं कि ये शहर घोस्ट टाउन से भुता शहर के नाम से अब मशहूर हो रहे हैं। तीसरा बिंदु है निर्यात आयात। किसी देश के आयात निर्यात के आंकड़े सीधे सीधे अर्थव्यवस्था की दशा दिशा को बताते हैं। चीन का निर्यात आयात कुछ महीनों से लगातार घट ही रहा है। 2023 में चीन के निर्यात में सालाना आधार पर 14.5% कमी आई। फरवरी 2020 यानी महामारी शुरू होने से ये सबसे बड़ी गिरावट थी। चौथा बिंदु कोविड का है। चीन ने कोविड में लॉकडाउन लगाया और इसकी वजह से कई बड़े छोटे धंधे बंद हुए। शंघाई से कई बड़ी कंपनियां अलविदा कह गई। कंपनियां बंद होने की वजह से रोजगार घटने लगे, इसलिए वहां बेरोजगारी भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 10 में से 6 लोगों के पास ही नौकरी है, बाकी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16 से 24 साल के बेरोजगारों की संख्या 21.3% से बढ़कर 1,20,00,000 पहुंच गई है। पांचवा बिंदु है बुजुर्ग होती आबादी, बढ़ती उम्र। चीन में जनदर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। इसका असर यह हुआ है कि बुजुर्ग आबादी बढ़ती जा रही है, नए मानव संसाधनों की संख्या में कमी आई है। इससे सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर जैसी सुविधाओं पर भार बढ़ा, सरकार को उसमें ज़्यादा निवेश करना पड़ा। स्थिति ये बन रही है कि आने वाले समय में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले घट जाएंगे और इसका असर आउटपुट पर और फिर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, पड़ सकता भी है। चीन में ये चिंता लंबे समय से जताई जा रही है और इसी वजह से 2016 में सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया था। हालांकि इसका बहुत फ़ायदा देखने को अभी मिला नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन का ट्रेंड बदलने में दशकों लगते हैं। हमने और विस्तार से समझने के लिए इस विषय को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज़ के अध्यापक डॉक्टर स्वर्ण सिंह से बात की। हमने पूछा कि चीन की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कम हो रही है। इस साल दूसरी तिमाही की विकास दर 4.7% रही, ये पहली तिमाही से भी कम है, तो चीन की खराब होती अर्थव्यवस्था की वजह क्या है? जब आर्थिक व्यवस्थाएँ थोड़ी छोटे लेवल की होती हैं तो उनमें तेजी से वृद्धि लाना संभव होता है। आप देखें, जैसे दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था जो अमेरिका है, वहाँ 1.8 या 2.1 वृद्धि दर रहता है, उसके आसपास रहता है। तो उसके मुकाबले में आज जो लगभग $20 ट्रिलियन की चीन की आर्थिक व्यवस्था है, उसमें ये अपने आप में वृद्धि दर कमज़ोर या कम नहीं माना जा सकता। हाँ, उसमें मंदी आने से जो उत्साह है लोगों का, नेताओं का, उसमें ज़रूर चिंता होती है।
तो पहली बात तो ये कि बड़ी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से वृद्धि लाना मुश्किल होता है। दूसरी बात ये चीन के बारे में कि वहां की जो जनसंख्यिकी है, जो डेमोग्राफी है, उसमें भी लगातार बदलाव आया है। तो अब चीन को एजिंग पॉपुलेशन के नजरिए से लोग देखते हैं, तो जो वर्क फोर्स है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। ऐसा नहीं कि वर्क फोर्स कम हो गई, पर फिर वही एक कहें कि जो उत्साह है देश का, जो निवेशकों का उत्साह है चीन के प्रति, उस पर उसका असर आता है। और तीसरी, शायद उसमें यह भी बात जोड़ देना जरूरी होगा कि पिछले कुछ वर्षों में, खासकर ये जो तीसरा कार्यकाल राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शुरू हुआ, तब से वहां के नेतृत्व में भी कुछ तनाव नजर आए हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वहां के मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है, जो शीर्ष के अफसरशाही में नेता हैं या सेना में नेता हैं, उनमें भी फेरबदल किया गया है। तो ये भी माना जा सकता है कि जो सर्वसम्मति बनाने की समस्या है चीन में शीर्ष नेताओं में, उसमें भी थोड़ी चुनौती हुई है। और उसके साथ साथ आपने खबरों में देखा होगा कि वहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत मंदी आई है। तो ये सब चीजें जोड़कर देखा जा सकता है कि हाँ, वृद्धि दर में कुछ कमी हुई है। जब चीन में विकास दर के आंकड़े आए हैं, उसी समय वहां थर्ड प्लेनम मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में सीसीपी चीन के लिए आर्थिक नीतियां बनाती है। ये थर्ड प्लेनम क्या है और इस बार मीटिंग में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चीन जो है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा से सत्ता में रहती है, तो हर 5 साल उनका अपना पार्टी का एक वार्षिक पंचवर्षीय अधिवेशन होता है, जिसमें करीब करीब 3,000 से ज्यादा जो प्रतिनिधि है उसमें शामिल होते हैं। फिर वो एक केंद्रीय समिति का गठन करते हैं, जो करीब करीब 300 के आसपास उसमें प्रतिनिधि रहते हैं। इस बार की जो केंद्रीय समिति है पार्टी की, उसमें करीब 205 स्थायी सदस्य हैं और 171 जो है वो वैकल्पिक सदस्य उसमें शामिल हैं। तो ये जो केंद्रीय समिति बनती है, इसकी 5 वर्षों में ऐसा इतिहास में देखा गया कि 7 बार वार्षिक बैठक होती है, और उसमें पहली और आखिरी बैठक, ऐसा माना जाता है कि अक्सर हर 5 5 वर्षों में जो नेतृत्व में फेरबदल होना होता है, तो उस पर उसका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। और दूसरी और छठवीं जो वार्षिक सम्मेलन होता है, उसमें अक्सर पार्टी की आइडियोलॉजी में क्या फेरबदल होंगे, उस पर इतिहास में ऐसा देखा गया कि उस पर ध्यान केंद्रित रहता है। तो जो तीसरी या चौथी, खासकर तीसरी जो इस जिसको हम वार्षिक केंद्रीय समिति की अधिवेशन या बैठक कहते हैं, इतिहास में देखा गया कि उसमें नीतियों को लेकर, खासकर आर्थिक नीतियों को लेकर, बहुत बड़े फेरबदल लाए जाते रहे हैं। और खासकर इस वक्त देखें तो कई सामने चुनौतियां हैं, खासकर आर्थिक चुनौतियां हैं चीन के आगे। उनको किस तरह से सुधारा जाएगा, सुधारों को ढांचे में, बदलाव में और किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इसी तरह की मुझे लगता है कि सोच पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश होगी इस अधिवेशन में। जानकार कहते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था अब एक मॉडरेट रफ्तार से बढ़ रही है, उसकी तुलना जापान से हो रही है। क्या चीन की अर्थव्यवस्था जापान की तरह हो सकती है? क्योंकि जापान आज एक विकसित देश के स्तर पर है और चीन अभी भी विकासशील देश है, इसलिए शायद उनका वृद्धि दर बहुत अलग होगा। आप देखें कि आज जो है वो जापान का वृद्धि दर पिछले साल करीब 1% था, और इस साल के पहली जो तिमाही है उसमें वहाँ की अर्थव्यवस्था संकुचित हुई है, 0.5 जो वृद्धि दर है वो नकारात्मक हुआ इस बार। तो वो शायद चीन के साथ उसका मुकाबला करना ठीक नहीं होगा इस वक्त, पर हाँ, जैसे जैसे चीन में विकास होगा तो ऐसी उम्मीद है कि वृद्धि दर उतना तेज नहीं रहेगा और कम होगा। शी जिनपिंग के सामने आर्थिक मोर्चे पर क्या चुनौतियां आ रही हैं? जाहिर है कि शी जिनपिंग खासकर अपने तीसरे कार्यकाल में इकलौते ऐसे नेता हैं चीन के जिनको आज तंग शियाओपिंग से या माओ त्से-तुंग से, वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ का जो जो मीडिया है वो उनको उनसे कंपेयर करता है। हाल ही में इतने ये अधिवेशन शुरू होने से पहले शिनहुआ ने एक 10,000 शब्दों का लेख जारी किया, जिसमें उन्होंने जो सुधार लाने में जो
राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मुकाबला उन्होंने डंग शॉपिंग से किया है। हालांकि इस तरह से बड़े सुधार लाने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो डंग शॉपिंग के सुधार बहुत अलग थे, वो उसको आर्थिक क्रांति का एक तरह से दर्जा दिया जाता है। पर चुनाव इस वक्त चुनौतियां जरूर हैं शी जिनपिंग के आगे कि किस तरह से ये जो देश का उत्साह है उसको वापस बरकरार किया जाए। उसके लिए वृद्धि दर को कम से कम 5% से ऊपर रखना उनके लिए जरूरी है। पर उसके साथ साथ आप व्यक्तिगत तौर पर भी देखें तो हाल ही में जो बहुत से फेरबदल हुए हैं शीर्ष नेताओं में, उन पर भी पार्टी की केंद्रीय समिति का जो है सर्वसम्मति से एक तरह से समर्थन नजर आना चाहिए, ताकि जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नेतृत्व है वो और भी सुदृढ़ हो सके, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह किसी तरह का ना नजर आए। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज की पहली सुर्खी यूएस से है। रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन शुरू हो गया है। इस कन्वेंशन में कान में पट्टी लगाकर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे। 13 जुलाई को उन पर जानलेवा हमला हुआ था जब गोली उनके कान को छू कर गुजर गई। कन्वेंशन में उनका भव्य स्वागत हुआ। इस कन्वेंशन में आधिकारिक रूप से ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे, होने ही वाला है या कर दिए गए होंगे जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं। फिलहाल यहां से एक बड़ा अपडेट आया है, उन्होंने अपने रनिंग मेट का भी ऐलान किया। रनिंग मेट यानी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो जीडी वेंस उम्मीदवार होंगे उपराष्ट्रपति पद के, या अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो जीडी वेंस उपराष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। क्या है जीडी वेंस की कहानी? जीडी वेंस का जन्म 2 अगस्त 1984 को ओहायो के मिडलटाउन में हुआ। पहले मरीन रहे हैं, यानी सादी भाषा में कहें तो फौजी हैं, और फिर ये लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन इन्होंने किया। वर्तमान में बिजनेसमैन हैं और रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से सेनेटर हैं। वेंस ने 2022 के सेनेट चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार टिम रियान को हराया था। दिलचस्प बात यह है कि 2016 में वेंस ने ट्रंप की दावेदारी का विरोध किया था। वो खुद को नेवर ट्रंप पर कहा करते थे। साथ ही 2016 में ट्रंप को इडियट और संभावित हिटलर तक कह चुके हैं, पर बाद में वो ट्रंप के समर्थक बन गए। ट्रंप के कैंपेन के लिए चंदा जुटाने में इनकी भूमिका अहम रही है। ट्रंप ने वेंस को क्यों चुना? वेंस यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप को फुल सपोर्ट देते हैं, साथ ही चीन को लेकर भी वो ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हैं। वेंस की उम्र 39 साल है। उनके जरिए रिपब्लिकन पार्टी भविष्य की फसल तैयार कर रही है। इसके अलावा वेंस यंग वोटर्स के बीच भी लोकप्रिय हैं। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो अमेरिका के सबसे यंग वाइस प्रेसिडेंट्स में से एक होंगे। उनसे पहले 1857 में जॉन ब्रेकेनरिज 36 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट बने थे। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी हंगरी से। अगले महीने हंगरी में यूरोपियन यूनियन की एक फॉरेन अफेयर समिट होने जा रही है। इसमें ईयू की विदेश नीति पर चर्चा होगी। हंगरी जो वर्तमान में ईयू काउंसिल का अध्यक्ष है, उसने बैठक बुलाई थी, लेकिन ईयू के बाकी देशों ने समिट में भाग लेने से इनकार कर दिया है। ईयू के बाकी देश हंगरी जाने के बजाय अलग से बैठक करने की योजना बना रहे हैं। ईयू के देशों की नाराजगी का कारण क्या? दरअसल ईयू के देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के हालिया रवैये से नाराज हैं। रूस के हमले के बाद से ओरबान ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया था। ये बात बाकी ईयू के देशों को नागवार गुजरी। ईयू के लगभग सभी देश यूक्रेन को समर्थन और वित्तीय सहायता देने के पक्ष में हैं। यूक्रेन के अलावा कई और मुद्दे भी हैं जिन पर ईयू और हंगरी के बीच तनातनी है। मसलन ईयू की प्रेसिडेंसी मिलने के बाद ओरबान खुद को यूक्रेन और रूस के बीच एक मध्यस्थ की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने यूक्रेन, रूस और चीन से बातचीत की कोशिश भी की। 8 जुलाई को उन्होंने एक ट्वीट किया। इसमें ओरबान ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति के लिए अगर कोई देश प्रतिबद्ध है तो वो चीन है। ये ट्वीट तब आया जब वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक से वापस लौट रहे थे। ओरबान ने जो सारे कदम उठाए उसमें ईयू की सलाह ली नहीं गई थी, जिसके चलते ईयू के बाकी देश उनसे नाराज है। हालांकि खुलकर कोई कुछ कह नहीं रहा है। जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक ने कहा कि विक्टर ओरबान की इन मीटिंग्स को ईयू की आधिकारिक मीटिंग्स के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह हंगरी का द्विपक्षीय मसला है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओरबान खुद को यूरोप में धुर दक्षिणपंथी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं और चीन से नजदीकी बढ़ाना उनकी इसी दूरगामी योजना का हिस्सा है। यह था आज का दुनियादारी। अपना और अपने को ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ हम विदा ले रहे हैं। शुक्रिया। शुभरात्रि।